तो भाई मैं अभी अभी उठा हूँ और मुझे अपनी रूटीन सही करनी थी। लाइट खोलते हैं पहले ताकि अच्छे से दिखें अपुन। और हमें अभी अभी उठा हूँ मैं, मुझे अपनी रूटीन सही करनी थी। मैं 12 बजे सो गया था और मुझे उठना तो 7 बजे था, लेकिन मैं उठ गया हूँ 5:18 पे। तो भाई अब हम उठते हैं फ्रेश वगैरह और अपने जो एक दो काम हैं वो निपटाएंगे। जल्दी उठ गए हैं तो अरीब को उठाता हूँ। टूथपेस्ट में नमक है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। शट अप, आई डू माय ब्रश। यार अपने बाल बड़े हो गए, सोच रहे हैं कि कटवा लेंगे। टू लॉन्ग, ये देखो वहां तक आ गए। चलो अभी तो इन्हें गीला करते ताकि अच्छे से बन जाए, क्योंकि अभी मैं लग रहा हूँ बिल्कुल क्या बोले, छोड़ो तो दिमाग में आ रहा हूँ बोलने। थोड़ा पीछे हो जाते हैं। और वैसे तो मैंने हाथ से बना लिए थे थोड़े बहुत, थोड़े ब्रश से ही बना लेते हैं। यार बड़े हो जाते हैं, बनते नहीं है, उलझन होती है। सोच रहा हूँ इनका आज क्रियाकर्म करना पड़ेगा। इससे पहले मेरी मम्मी काट दें इन बालों को, क्योंकि बड़े बाल हैं उन्हें अच्छे नहीं लगते। और बहुत दिनों से वो मुझे बोल रही है कि बड़े बाल जो है ना कटवा ले कटवा ले, नहीं बन रहे। छोड़, क्या कर सकते हैं, मेरी जुल्फें जो है ना, क्या कर सकते हैं। सॉरी, शो मार रहा था, हुई नहीं। अब कैसे लड़कियां चिपकेंगी, एक्स टेम्पटेशन लगा है। और ये कहाँ गया? तो अब हम आ गए हैं हमारी वर्क टेबल पे और अपना लैपटॉप खोलते हैं और काम करना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मैं अपने काम की स्टार्ट कैसे करता हूँ। काम की स्टार्ट मैं ऐसे करता हूँ कि ये मेरी बुक है, डायरी है काइंड ऑफ, और इसमें मैं अपने लिखता हूँ कि आज मैं सारे काम कौन कौन से काम करने हैं, ठीक है। तो मेरा पेन कहाँ है? एक तो मैं इतना क्लमजी आदमी हूँ कि मैं अपनी चीज़ें इधर उधर कर देता हूँ। ये रखा हुआ, ये रहा, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरह काम करता हूँ, ये मेरी कल परसों इस तरह की, हाँ मैं टिक लगाता रहता हूँ, आधे काम होते हैं आधे नहीं होते। तो अपना राइटिंग का काम, बहुत सारे काम हैं जो मैं करता हूँ। तो जब तक हमारा लैपटॉप खुल रहा है, हम आज की लिस्ट बना लेते हैं कि आज हमें क्या क्या काम करने हैं। तो कल के हमारे 3 काम रह गए थे, तो उसको ही हम आज कंप्लीट करेंगे। और जो कल के रह गए थे, जैसे मैंने इस पर 2 पे टिक लगा हुआ है, इस पे लगना बाकी है, तो हम ये काम करेंगे। और उसके बाद पहले ये खुल जाए, कछुआ होता है ना, कछुआ टर्टल, वो भी तेज़ होगा मेरे लैपटॉप से, इतना ज़्यादा स्लो लैपटॉप हो चुका है ये। इसमें पता नहीं क्या हो गया, कोई वायरस घुस गया है, मुझे लग रहा है कोई ख़तरनाक वायरस घुस गया है, बहुत ही सुस्त किस्म का वायरस। उसने मेरे लैपटॉप को बिल्कुल मेरी तरह कर दिया, एकदम सुस्त और काहिल।
इतना कछुए की स्पीड से चलता है, अभी इतनी देर से मैंने खोला हुआ है मगर ये खुल नहीं रहा है। बैठे हैं भाई, चल जा प्लीज प्लीज। ढीट ढीट बिल्कुल, ये ढीट एक नंबर का ढीट लैपटॉप है। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, दुआ करते हैं, पहले दो नफिल अदा करेंगे कि ये खुल जाए, और जब ये खुल जाएगा तो उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और फिर काम। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं वॉक पे। आज आज सीन ऐसा है कि हमें वॉक पे जाने का मूड हो रहा है, मौसम भी अच्छा है, ठंड भी है हल्की फुल्की सी। काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह उठा हूँ, हार्ड कर रहा हूँ, इसलिए आज मैं जाऊँगा बाहर वॉक पे और थोड़ा सा अपने आप स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे, अपने आप को लेजीनेस से बाहर निकालने की ये तरकीब है। तो आए मेरे साथ, चलते हैं बाहर वॉक पे। बहुत दिनों बाद वर्कआउट किया है, हालत बैंड हो गई, और सब कुछ खाऊंगा और घर जाऊंगा। भाई नाश्ता करने आ गए, गर्मा गर्म हमारे, ये इनका हमारे यहाँ पता नहीं इन्हें क्या कहेंगे हमारी जबान में, लेकिन शायद पैटी कहेंगे, पैटी ही कह सकते हैं, क्योंकि टेबल हिल रही है इनकी। तो ये पैटी है, ये चीज़ वाला है, इनकी जबान में से बोरेक कहते हैं, ये चीज़ बोरेक है, और ये पोटैटो वाला है, इसमें आलू है, पटाटीज बोरिक, ये पनीर बोरिक, और ये चाय है इनकी कहवा, इसको कहवा कहते हैं, ये दिमाग खुल जाता है इससे। तो बड़ा थक गए थे तो हमने कहा ये खाते हैं। देखो भाई बैठे बैठे हमारे साफ हो गए आग पे, देखें इतना लोग नाश्ते का मतलब वो है लोगों का कि मतलब देखते ही देखते साफ हो गया, बस पूरी प्लेट टेबल साफ हो गई इनकी, थोड़ा सा ही बच गया नाश्ता। थोड़ा सा आप लेट हो जाओ तो नाश्ता नहीं मिलता है आपको, हमने भी साफ कर दिया अपना नाश्ता सारा चाट गए। तो भाई आज हम गए थे एक्सरसाइज के लिए जैसे आपने सुबह देखा था, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई है ये देखते हो, यहाँ पे जो ठंड है ना यार बड़ी बैंड बजा देती है, ठंड से मैं बड़ा तंग हूँ, ठंड इतना सुस्त कर देती है मुझे कि मैंने एक्सरसाइज की, घर आया, घर आके मैंने थोड़ा सा काम किया, और काम करके मैं लंबा हो गया, और अब मेरी आँख खुली है। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं, अंधेरा हो गया है यहाँ पे, जल्दी रात होती है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ठंड है। मैं सोचा बूटी गए हैं तो थोड़ा सा चले जाते हैं, बाल यहाँ लाइट है यहाँ पर बात कर लेते हैं, बाल वाल कटवाते हैं, थोड़ा सा हुलिया सही करते हैं, क्योंकि बाल जो है ना बहुत बड़े हो गए यहाँ, एक तो इनको बनाना अजाब है, मुँह पर गिरते रहते हैं, उलझन अलग होती है। तो अभी हम जा रहे हैं बाल कटवाने, इस्तानबुल में चलना ही बड़ा अजाब है, हर जगह चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, अंधेरा हो गया यार, तो फुल कालू हो गए हम कालू, कहीं लाइट में जाते हैं और लाइट ढूंढते फिर बात करते हैं। यहाँ थोड़ी लाइट आई है, लाइट पर बात करते हैं। अब हम जा रहे हैं बाल कटवाने, बाल कटवा के फिर आपको दिखाते हैं कैसा लगेगा हमारा न्यू डैपर लुक। तो बाल कटवाने वाले के पास मिलते हैं। आ गए अपने बाल कटवाने वाले की दुकान पे। अच्छा इनकी दुकान को क्वाफूर कहते हैं ये लोग। अभी हम अंदर जाएंगे और बाल कटवाते हैं। अच्छा तो मुझे ना इनके बाल कटवाने की ज़बान आती नहीं है इनकी, तो मैं इनको समझाता ऐसे हूँ कि मैं इनको मोबाइल पे पिक्चर दिखा देता हूँ ऐसे ही वाली कि भाई ऐसे काट दे, तो ये मेरे बाल ऐसे ही काट देता है, और हेयर कट के बाद देखते हैं कि क्या सीन बनता है हमारे बालों का। आई बाल कटवा लिया हमने, कैसा लग रहा हूँ, एकदम डैपर लग रहा हूँ जैन मलिक या नहीं, मुझे पता है दिमाग में क्या बातें आ रही है, दराज से ऑर्डर किया हुआ जैन मलिक 50 रुपये का, सब बातें आ रही हैं मेरे दिमाग में भी, यही बातें आती हैं, फिर भी मैंने कहा कह देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। फुल फेशियल वेशल भी कराया आपके भाई ने, फुल चिकना बॉय बन गया,
लाइट कहीं दिखे तो लाइट में, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है। ओह नज़र ना लग जाए, अपनी नज़र लग जाएगी, बेहतरीन। तो भैया ये था मेरा आज का दिन, इसमें हमने वर्कआउट भी किया, थोड़ा सा काम भी किया और बाल बाल कटवा के थोड़े से साफ़ सुथरे भी हो गए हैं। यहाँ सही, यहाँ थोड़ी लाइट है, अच्छे काटे यार वैसे, आई लाइक इट। मुझे पता है आप, बहुत बोरिंग दिन था, मेरा दिन ऐसे ही होता है, तो कोशिश करेंगे इनको आगे और इंटरेस्टिंग बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।